अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो हम कर रहे हैं मैक का नाश्ता रेडी। हम कर रहे हैं बटर टोस्ट फ्राई जल्दी से, और उसके बाद बनाएंगे हम मैक के लिए मैगी। तो जल्दी जल्दी सुबह काम करना होता है क्योंकि स्कूल टाइम होता है, जल्दी से निकल जाता है। तो हम मैगी के साथ करेंगे पानी, पानी के साथ करेंगे बटर रेड और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। बटर डालने से बच्चों को जो थोड़ा मैगी नुकसान देती है वो ज़्यादा कर नहीं पाती। तो अब बटर ऐड के लिए उसमें 2 टेबल स्पून। तो चलिए करते हैं मेक का जल्दी से टिफिन रेडी और भेजते हैं मेक को स्कूल। ये हो गई मैगी रेडी। जा रहे हैं छत पे नहाने, बहुत आ रही है तेज बारिश। तो चलिए अभी चलते हैं छत पे। देखो बच्चा पार्टी इकट्ठी हो गई है, छत पर जाने के लिए हम जा रहे हैं छत पर अब नहाने। गाइस देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, अब हम आ गए हैं नहाने। देखो बच्चों को, हमारा है देखो, ये रहे छोटे छोटे बच्चे, और हमारा है फुल वाटर प्रूफ। तो बारिश में हम लेके पानी में कहीं भी जा सकते हैं इसको। कौन है, कहां से आते हैं? आधे घंटे। ओहो क्या सुहाना मौसम हो रहा है भाई। देखो बच्चे कर रहे हैं मजे। मेघ हमारी फर्स्ट टाइम नहा रही है बारिश में, मेघ को नहलाया नहीं है मैंने आज तक बारिश में। मेघ का मौसम फर्स्ट टाइम है। ओहो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। देखो छोटा सा बच्चा भी आ रहा है। By God, आप देखो सामने का नजारा। Oh God, कितना मजा आ रहा है बारिश में। जामा मस्जिद। ये देखो छोटा सा बच्चा। अल्लाह यार थोड़ी सी बारिश और तेज कर दो, मजा आ रहा है हमें नहाने में। काफी टाइम बाद हम नहाए छत पर। अल्लाह मियां बरस जाओ जरा और तेज, तो थोड़ा मजा आ जाए। अल्लाह पाक। देखिए हमारा जो रात को हमने बनाया था सिरी, तो हम खा रहे हैं दोपहर में। तो चलिए आइए आप भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अभी लास्ट बची है और मैं है और हम खाना खा रहे हैं। आइए आप भी खाइए। ये कैसी बनी थी रात को? बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो चलिए आइए आप भी खाइए हमारे साथ खाना। तो आज मैक की छुट्टी हो गई क्योंकि आज सुबह में बहुत ही तेज बारिश आई है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे घर नहीं होंगे। और सिरी जो बासी होती है ना वो बहुत ही टेस्टी होती है, कसम से मज़ा आ गया एकदम। लाजवाब बनी थी रात को। और आप मौसम देखिए, दिख नहीं सकता, मैं बैक कैमरे में दिखाती हूँ। देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है। तो चलिए आइए अब बिस्मिल्लाह कीजिए, हम भी खाते हैं खाना, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो आज हम बना रहे हैं कुछ वेज। तो हम बना रहे हैं आज कश्मीरी दम आलू। तो हमने ले लिए हैं टमाटर, और ये है हमारी साबुत लाल मिर्च, और ये है केशु यानी काजू, और ये है साबुत धनिया, हरी मिर्च और ऑनियन। और ये मैंने जो आलू हैं वो बॉयल कर लिए हैं, 1 kg हैं। तो लेकिन मैं थोड़े से आलू लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे और क्या होता है। तो आज दिल चाह रहा था कुछ वेज बनाने का, तो हमने सोचा कि ये क्यों ना आज हम बनाएं कश्मीरी दम आलू, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो करते हैं अपनी गैस ऑन, और इसमें लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, ऑयल लेते हैं थोड़ा, और पहले डालते हैं हम अपनी ऑनियन। ऑनियन डालते हैं। देखिए हमारी ये जो है ऑनियन हो रही है, ठीक है,
ऑनियन के साथ हमें करना है धनिया ऐड, क्योंकि ये होना चाहिए करारा यानी थोड़ा सा क्रिस्पी। तो अगर हम टमाटर डाल देंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो और अब इधर से करेंगे हम फ्राई और थोड़ा सा। तो आप देखिए अब करेंगे हम कैशू और रेड चिली इसमें ऐड, ग्रीन वाली चलेगी बाद में। वो भी ऐसे करेंगे और हल्के घी में करना है, क्योंकि फिर हमारे मिक्सी में पिस नहीं पाएगा अगर ज़्यादा हम घी ले लेंगे तो। देखिए अब हम जो है टमाटर ऐड करेंगे यानी चार पीस कर करके। और इस टाइम तो टमाटर जो है वो बहुत ही महंगा हो गया गाइस। लोग सोचेंगे ये दम आलू क्यों पकाएं, सच हम गोश्त नहीं पका लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टमाटर डालना पड़ेगा। तो हमारा दिल चाह रहा था कुछ वेज खाने का, वेज का समझ में नहीं आता क्या खाएं, तो हमने सोचा हम ये बनाते हैं। हम एक बार जा रहे थे नैनीताल, तो जिनके साथ हम गए थे उन्होंने हमें दम आलू खिलाया, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे गाइस, ज़बरदस्त थे। आज तक हम उनका टेस्ट नहीं भूलते हैं। और उसके साथ लाल हरी मिर्चों का कुछ अचार भी बना रखा था उन्होंने साथ में। तो चलिए आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं दम आलू। तो देखिए ये टमाटर करने हैं हमें, उधर हमारी मिर्च गिर गई थी। इस तरह से करना है इसको अच्छे से, मिर्च वगैरह सब। तो देखिए अब जो है हम अपना नमक ऐड कर देंगे इसमें, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है हमको अपना। और इसकी चटनी अच्छे से बन जाए फिर हम इसको थोड़ी देर हवा लगाएंगे और फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हम अपने टमाटर तोड़ते हैं, क्योंकि ये होते हुए आ रहे हैं हमारे टमाटर। और लो फ्लेम कर देंगे अपनी गैस की हम। नॉन वेज खाते खाते जी भर गया, और आज हमको बनाना था सिरी और पाया, तो हमने स्किप कर दिया क्योंकि तीन चार दिन से बहुत नॉन वेज चल रहा है, तो आज हमने कर दिया स्किप। और कल बनाएंगे हम सिरी पाया बकरे का। तो आज हमने बनाया दम आलू कश्मीरी। तो ये कश्मीरी मिर्च चाहिए होती है साबुत लाल मिर्च, तो कश्मीरी साबुत मिर्च तो थी नहीं हमारे पास, हमने कर दी अपनी लाल मिर्च ऐड। हम बना रहे हैं दिल्ली वाली मिर्च में। तो गाइस देखिए जो हमारी चटनी है, जो हमारा बैटर है दम आलू का, तो वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। हमारे टमाटर जो हैं वो हो ही गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको अपनी गैस को बंद करती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए फैन में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको पीसेंगे अपनी मिक्सी में। फर्स्ट टाइम में देखे ट्राई कराए तो अच्छा ही बनेगा, अल्लाह के नाम से अल्लाह के शुक्र से, क्योंकि हम रेसिपी में कभी फेल नहीं होते हैं, अल्लाह के शुक्र से अच्छा बनता है हर चीज़। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर रखते हैं, कम से कम आधा घंटा पंखा खोल कर, इतने ये ठंडा हो जाएगा। उधर हमने लगा रखी है अपनी वॉशिंग मशीन, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए अभी रुकते हैं। तो देखिए जो हरी मिर्च थी मैंने वो भी ऐड कर दी है अपनी, और ये इसमें हल्की इसके भाप में ये हो जाएगी आराम से। तो हमें जो हरी मिर्च है वो बिल्कुल आखिर में डाल दी है। तो चलिए इसको मैं नीचे दबा देती हूँ ताकि ये गर्माई में अच्छे से दम में आ जाए। तो देखिए अब जो हमारा मिक्सचर था हमने बनाया था यानी चटनी, अब कर रहे थे हम उसको ऐड मिक्सी में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और इसको पीसते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और बताइएगा आपको हमारी दम आलू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। हम करते रहते हैं कुछ कुछ न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट खाने को लेकर। तो देखिए ये हमारा जो बैटर था वो चल रहा था, अब जब भी ये पिस जाएगा, वंडर शेफ की जो मिक्सी है वो होती है बहुत ही बेस्ट।
तो चलिए करते हैं आगे का काम। तो देखिए, चलिए हमने अपनी ले ली है कढ़ाई और तेल को कर दिया है, सॉरी गैस को कर दिया है ऑन। तो अभी हमारा दिखाते हैं पहले क्या चीज होगी। पहले हमारी जो है कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए हमारी कढ़ाई हो चुकी है गर्म और हम डालेंगे इसमें तेल, क्योंकि हमें आलू जो है वो फ्राई करने हैं पहले अपने। तो ज़रा तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाए फिर डालते हैं ऊपर में आलू, और उस तरह से ज़रा कढ़ाई में चला देंगे ताकि आलू हमारे जो है वो चिपके नहीं, क्योंकि जहाँ सूखी कढ़ाई होगी वहाँ पर हमारा आलू चिपक सकता है। तो देखिए हमारा जो है ऑयल वो हो गया है रेडी, और ये मैंने जो बॉयल आलू थे हमारे मैंने इस तरह से काट लिए हैं, सॉरी मैंने आपको दिखाई नहीं। तो देखिए इस तरह से एक आलू से मैंने कर लिए चार पीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, इस तरह से डालते हैं। तो डालते हैं हम अपने आलू, क्योंकि हमारा ऑयल हो गया है अच्छे से गरम, उसको तोड़ देते। ज़रा थोड़े से जो है हमारे नीचे वाले आलू होते हुए आ जाएं तो फिर हम चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें आलू जो है वो अपने हल्के से चलाने हैं और फ्राई करने हैं अच्छे से। तो देखिए आप आलू जो है हमारे पोटैटो यानी कम से कम 75% जो है वो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। ये छोटे छोटे गोल आलू के भी बनते हैं, तो हमारे घर पर बड़े आलू थे तो हमने बड़े जो थे उसका ही बनाया है। ज़रूरी नहीं है सामान अगर जिसमें लिखा हुआ है बना हुआ है हमें उसमें ही बनाना है, ऐसा कोई नहीं है, आप किस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पकाना आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कुछ भी चल जाता है। तो चलिए आज फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं कैसा है, लेकिन हमने खा तो बहुत बार रखे हैं लेकिन हमने फर्स्ट टाइम बनाया। तो देखिए आलू कितने अच्छे से क्रिस्पी होते हुए आ रहे हैं हमारे। देखिए फाइनली जो हमारे आलू हैं वो हो चुके हैं अच्छे से। बस इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, फिर हम करते हैं आगे की रेसिपी जो है उसकी तैयारी। तो चलिए अब हम जो आलू हैं अपने इसको प्लेट में निकालते हैं। वो जो हमने ऑयल लिया था उसको मैं छान कर डिश में अलग से रख दूंगी, वो काम में आ जाएगा, कुछ फ्राई वगैरह होगा तो उसमें काम में आ जाएगा। तो देखिए हम करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बैटर जो था हमारा पिसा हुआ मिक्सी में, जो हमारा मिक्सी में हमने पीसा था वो ये रहा। तो चलिए अभी इसको भूनते हैं और फिर अभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको। और देखिए अब इसमें 4 टेबल स्पून हम डालेंगे दही के,
तो देखिए हमारा जो ऑयल है वो आने लगा है, यानी हमारी जो सब्जी है वो पूरी रेडी हो चुकी है। बस बिल्कुल आप जो ये हमारे आलू हैं यानी 15 से 10 मिनट पहले ही डालेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल ग्रेवी अपनी रेडी करनी है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है फाइनली। तो हम अब आलू ऐड करते हैं इसमें अपने। ये भूनते हुए आएंगे आलू हमारे ग्रेवी के साथ। गाइस फाइनली हमारी जो दम आलू की रेसिपी है वो हो गई थी रेडी और हम बैठ गए थे खाने और ये काफ़ी ही टेस्टी बनी थी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम निकालते हैं प्लेट में और इसको करते हैं टेस्ट, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ न्यू व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय।